प्रदेश सरकार ने 5 दिन पहले उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला लिया, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही यूजीसी ने पूरे देश में उच्च शिक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से आयोजित करवाने की गाइडलाइन जारी की, जिसके बाद उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स असमंजस में पड़ गए। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने यूजीसी गाइडलाइन का अध्ययन करने के बाद कोई फैसला लेने का निर्णय लिया, तो वहीं छात्र संगठन एनएसयूआई यूजीसी की गाइडलाइन के विरोध में आरयू के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन कर यूजीसी गाइडलाइन की प्रतियां जलाई, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से एनएसयूआई प्रदेश भर में आंदोलन कर रही थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने छात्र हित में बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया, लेकिन कोरोना संकट में केंद्र सरकार और यूजीसी को छात्रों के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में जल्द मांगे नहीं माने जाने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। राजस्थान सरकार ने बिना परीक्षा प्रमोट करने का निर्णय लिया। शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार 2 दिन पहले यूजीसी की गाइडलाइन आई है केंद्र सरकार की, उस गाइडलाइन के अंदर फाइनल ईयर के छात्रों का एग्जाम जो करवाए जा रहे हैं उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर एनएसयूआई लगातार इसका विरोध दर्ज करवा रही है, क्योंकि देश के अंदर आज सबसे कोरोना महामारी के समय तीसरे स्थान पर भारत देश है और 1 नंबर के आने पर कंगार पर है। रोजाना 200 से ज्यादा मौतें हो रही है, रोजाना लाखों की संख्या में केस आ रहे हैं, तो इस समय एग्जाम करवाना कहां तक उचित है, जबकि विश्वविद्यालयों में फाइनल के छात्र हैं, कोई दूसरे राज्यों से अनेक राज्यों के छात्र अनेक जगह में